खरीदारी करने आई खातून अफसोसनाक हादसे का शिकार। इचरा बाजार में दुकान के बाहर लगा ट्रांसफार्मर गिरने से 40 साल सबा जाबाहक बच्ची शदीद जख्मी, फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। बागों के शहर को स्मोक का रोग लग गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सबसे आगे। लाहौरियों की सांसें जहर आलूदा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 तक रिकॉर्ड। शहरी परेशान। जो अभी तक हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, खास तौर पे साउथ अफ्रीका में जो केसेस सामने आए उनमें देखा कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको ये वेरिएंट नहीं हर्ट कर रहा है। यानी ये कि अगर खुदा ना खासा लग भी जाए बीमारी तो इंटेंसिटी बीमारी की वो नहीं है। कोरोना के नए किस्म वैक्सीनेटेड अफराद को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बूस्टर लगाया जाएगा या नहीं इसका फैसला आइंदा चंद रोज में होगा। कोरोना वायरस के हमले ना थम सके। 24 घंटे के दौरान 45 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक शख्स जान की बाजी हार गया। शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड। डेंगू मच्छर ने शहर में पंचे गाड़ लिए। लाहौरियों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगा। 24 घंटे में 58 अफराद को डस लिया। सरकारी अस्पतालों में डेंगू में मुब्तला 597 मरीज जेर इलाज हैं। हुकूमती नाहली के सबब रोजाना की बुनियाद पर अमवात हो रही हैं। डेंगू वायरस के फैलाव के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। हुकूमत से डेंगू पर काबू पाने के लिए इकदाम करने का मुतालिबा। MTI को पहले कबूल किया ना आप कबूल करेंगे। पंजाब के किसी अस्पताल को तबाह नहीं होने देंगे। YTA के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं OPDs में नए डॉक्टर्स को भर्ती किया जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और निजी कंपनी टिप्स के मबैन 10 साल मुहिदा मंसूख। PMC के वकील ने हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। पेपरा रूल्स के तहत नया इश्तेहार जारी। केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। बल्दियाती इदारों के बजट का इस्तेमाल। मेयर लाहौर और महकमा बल्दियात आमने सामने। मेयर मुबशर जावेद का 8% बजट इस्तेमाल करने की पाबंदी मानने से इनकार। तरक्याती मनसूबों के लिए सिफारिशात तलब कर ली। लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस के इजरा में मुश्किलात। वजीर आला से महमूदुर रशीद और सेक्रेटरी बल्दियात की मुलाकात। परवेज इलाही की तजावीज पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन से कानून साजी के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। कायम मुकाम गवर्नर से चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी का टेलीफोनिक रबता। रहनुमाओं का बलदियाती निजाम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तफा कमाल ने परवेज इलाही से जजाज की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। DG अहमद अजी तारड़ की ब्रीफिंग। लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की मंजूरी समेत 23 निकाती एजेंडे पर गौर। वजीर हाउसिंग की जेर सदारत वजरा कमेटी का अजलास। लाहौर एलोवेटेड एक्सप्रेस वे क्वेलरी ग्राउंड सिग्नल फ्री कॉरिडोर की मंजूरी। एलोवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा मंजूरी के लिए काबीना में पेश करने का फैसला। लेस्को में मटेरियल की किल्लत का मसला जूं का तू। मीटर्स ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान नायाब। डिमांड नोटिस जमा कराने वाले सार्फीन धक्के खाने पर मजबूर। लेस्को हुकाम ने मामले पर मुकम्मल चुप साध ली। शहबाज शरीफ ने मुल्की माशी सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। कहा आइंदा बरस तनख्वाह पेंशन की अदायगी के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। IMF से मुआहदा मईशत की मजीद तबाही का सबब साबित होगा।
नाम नेहाद तरक्की के दावेदारों ने सिर्फ करप्शन की, असलम इकबाल बरस पड़े। वजीर सनत तजारत कहते हैं साबिक करप्ट हुक्मरानों ने अवाम को नजरअंदाज किया, आज अवाम इन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए नू लीग नए झूठ घड़ रखी है। आसान खबर कहते हैं वीडियोस और ऑडियो कहां से आते हैं, आवाम जानते हैं आइंदा किसी बीमार सियासी मुल्ज़िम को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। NA 133 का ज़िमनी मार्का, इलेक्शन कमीशन की हलके पर नजर। ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर नून लीग उम्मीदवारों को भी जुर्माना। शाइस्ता परवेज ने 20,000 रुपए बतौर जुर्माना जमा करा दिए। NA 133 का इलेक्शन, सुबह इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर दी। अमन अमान पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाने का फैसला। पुलिस के साथ रेंजर्स की खिदमत भी हासिल की जाएंगी। पंजाब के स्कूलों में असेंबली के दौरान दरूद शरीफ पढ़ाना लाजमी करार। चीफ सेक्रेटरी ने स्कूलों को मरासला जारी कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं दरूद शरीफ पढ़ने से बरकत नाजिल होती हैं। सूबाई वजीर स्कूल मुरादराज और रायचू की मुलाकात। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में आगाही के लिए मुहिम चलाने का फैसला। तलबा को नशियात के नुकसान, पतंगबाजी न करने की तरगीब दी जाएगी। थाना कल्चर की तब्दीली के लिए आईजी इन एक्शन, नए SOPs जारी। थाने में आने वाले हर शहरी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। SHO अपने तमाम स्टाफ को सब ब्रीफिंग देगा। हुकाम को SOPs अरसाल। SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तैनाती का तरीका कार तब्दील। अब तैनातियां कमेटी के जरिए की जाएंगी। CCPO ने कमेटी बना दी। कमेटी अफसर की शोहरत और कारकर्दगी का जायजा लेकर फैसला करेगी। लाहौर पुलिस के अफसर और मुलाजमीन हफ्ते में एक छुट्टी कर सकेंगे। SSP ऑपरेशन ने इजाजत दे दी। तमाम डिविजनल SPs, DPs और SHOs को अहकाम जारी कर दिए। DIG ऑपरेशंस SN यूनस अवामी मसाइल के हल के लिए सरगरम। दफ्तर में खुली कचहरी, शहरियों ने मसाइल से आगाह किया। SN यूनस के मुतलिक अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी। CTO का मुख्तलिफ शाहराओं और ट्रैफिक सेक्टर्स का दौरा, ट्रैफिक की रवानी का जायजा। रेडियो की भरमार पर इंचार्ज कोट लखपत को शोकास। 3 वार्डन्स की 1-1 साल की सर्विस जब्त, बांधे चलान। वजीर आला से FPCCI के साबिक सदर अंजुम निसार के वफद समेत मुलाकात। आज बरातरी और सनअतकारों के मसाइल पर गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार बोले ताजरों को सहूलियात फराहम करेंगे। केस मैनेजमेंट प्लान के सम्राट सालीन तक पहुंचने लगे। 3 माह के दौरान 47,000 से वाज़ाइद मुकदमात के फैसले। करप्शन और ना अहली के जबा साबित। सिविल जज अहदे से फारिग शराफत अली नासिर की बर्खास्ती का नोटिफिकेशन जारी। शराफत अली नासिर को वजाहत और दफा के तमाम मौके फराहम किए गए। नोटिफिकेशन। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के ग्रेड 21 में तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। नैब के मुताबिक डीजी शहजाद सलीम की सरबराही में नैब ने 4 साल में 14 अरब के डायरेक्ट रिकवरी की। LDA टाउन प्लानिंग जोन 4 की कार्रवाई। LDA कंट्रोल्ड एरिया जोहर टाउन, डिफेंस रोड, पाइन एवेन्यू, हाइबाने जना और UMT रोड पर ऑपरेशन। 17 गैर कानूनी इमारतें मसमार।
वज़ीर-ए-आला की मजलिस तरक्की अदब के दफ्तर आमना पहले अदबी अजायब घर अदबी बैठक चाय खाने का अफ्तताह ई लाइब्रेरी मनसूबे का भी संग बुनियाद रखा सेक्रेटरी अतलात सकाफत की उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर सैयद सैयदुल हसन की दाता दरबार आमद मज़ार पर हाजिरी फूल चढ़ाए एतराफ़ में सफाई सुथराई सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ एम एन ए चौधरी हसन अल्लाही से जनूबी अफ्रीका के हाई कमिश्नर की मुलाकात बेल्जियम के सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी भी मिले बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल शुजात हुसैन की खैरियत पूछी चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफसर से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात मरकजी सदर ने काश्तकारों के मसाइल बारे आगाह किया ज़राअत की बेहतरी के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल यूनिसेफ के वफ़द के वासा हेड ऑफिस गुलबर्गामा डी एम डी ऑपरेशन गफरान अहमद की सरबराही में अजलास लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर और मनसूबा पर ब्रीफिंग वफ़द ने वासा के मुस्तकबिल के मनसूबों को सराहा फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस UNFPA के वफूद की सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा वुमेन सेफ्टी एक्ट के जरिए चीट सिस्टम और कॉल्स के तरीके पर ब्रीफिंग वफूद की तारीफ मोहब्बत लगन मेहनत तलबा ने कारीगरी से शाहकार बना डाले अल्हम्ब्रा में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की थीसिस के सालाना नमाइश देखने आने वालों की भरपूर दिलचस्पी तलबा के काम के दिल खोल कर तारीफ की अरशद खान तनोली ने बतौर चेयरमैन कश्मीर प्रीमियर लीग चार्ज संभाल लिया अरशद तनोली के KPL सेक्रेटेरिएट आमद कहते हैं पहले एक टीम की बेहतरी के लिए काम कर रहा था अब से 6 टीमों के लिए काम करूंगा घूंसों की बौछार मुक्के भी जानदार DHA में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज डायरेक्टर स्पोर्ट्स DHA की खसूसी शिरकत शहरियों की भी कसीर तादाद बॉक्सिंग मुकाबले देखने उमड़ आई टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के निश्चर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आवर टेनिस कोर्ट में प्रैक्टिस सानिया मिर्जा ने सामद हक और अकील खान के साथ प्रैक्टिस की कहा आलमी मियार की सहूलियात देखकर खुशी हुई और मोहब्बत में परवीन सुल्ताना ने सरहद पार कर ली बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर भारत से आई खातून की पाकिस्तान के मोहम्मद अमरान से शादी जोड़े के निकाह करने की वीडियो भी सामने आ गई